जिले में काफी बड़ा हिस्सा वनांचल और पहाड़ी वाले क्षेत्रों में गर्मी आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। इस वर्ष भी दर्जनों गांव में पानी की समस्या शुरू हो चुकी है। बार बार बोर खनन के बाद भी पानी नहीं निकलता देख अब झीरिया की दुरुस्त कर पीने योग्य बनाया जा रहा है। कहाँ ला तो पानी तो फिर अब ट्यूबवेल ले ये बोर हवा अच्छा अच्छा ये बताइए केडन हैंडपम्प केडन हवा चलते गर्मी दिन हुआ सर हैंडपम्प नहीं चले नहीं चले यहाँ पर गिरता है लेकिन पानी बह जाता है पूरा रुक नहीं पाता इसलिए यहाँ पर पानी कमजोर है। अच्छा तो अभी पीने पीने के लिए क्या स्थिति है हैंडपम्प है पीने के लिए बहुत तकलीफ पड़ रहा है। अच्छा कहाँ से लाते हैं पानी पानी ही से लेते हैं हम लोग। कितना दूर पड़ता है गाँव से हमारे दाई बाबू घाट से चढ़ के लिए हम पीते हैं। अच्छा कहते हैं बहुत दूर पड़ते हैं दो किलोमीटर दूर पड़ते हैं। अच्छा तो पानी की समस्या हर साल इसमें आती है। जानकारी मिल रही थी कुछ पंचायतों में वाटर लेवल अचानक से तेजी से उसमें गिरावट आई लेकिन हमारे जो एसडीएम्स हैं जनपद के हैं उनके माध्यम से पंचायत सचिव को लगातार समीक्षा कर रहे हैं सतत निरीक्षण कर रहे हैं इसका। जहाँ जहाँ पे हैंडपम्प सूख गया एक दो पंचायत ऐसे हैं जहाँ के सारे हैंडपम्प सूख गए वहाँ पे हम पावर पम्प डाल रहे हैं। पीएचसी के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है संसाधन की कोई कमी नहीं सभी को निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी ऐसी सूचना मिलती है 24 घंटे के अंदर वहाँ पे पावर पम्प डालें।